सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे भागने की बजाय उसे ठीक करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। मन में रखने से फासले हो जाते हैं। जीवन में हर एक तूफान नुकसान करने ही नहीं आते, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। आज का पंचांग 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 1:55 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 1:57 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, आज के दिन आपके लिए विशेष है क्योंकि आज आप किसी दूसरे शहर में रहने वाले से या विदेश में किसी से संपर्क स्थापित करेंगे। यह आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा। अपने मेल देख ले क्योंकि मेल बॉक्स में कोई महत्वपूर्ण अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विदेश में रह रहा कोई मित्र आपको साथ काम करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। आज आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करने और अपनी सफलताओं का आनंद लेने के लिए भी तैयार हैं। आपका प्रसन्न चित्र रवैया आपके आसपास के लोगों को आकर्षित करता है। फ्लर्ट करें, मजे ले और नए दोस्तों को बनाएं। भाग्य अभी आपके पक्ष में है और निश्चित रूप से आपका मूड ठीक नहीं है, इसीलिए नौकरी और व्यवसाय के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय आज न लें। एक दिन की छुट्टी लें और अपने भविष्य की योजनाओं के लिए अपने दोस्तों व शुभचिंतकों से परामर्श करें। आपको जो मिल रहा है आप उसके योग्य हैं। एक सफल मनुष्य होने के लिए सुदृढ़ व्यक्तित्व की आवश्यकता है। आपका बर्ताव जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में तनाव भी डाल सकता है। कोई भी ऐसा काम करने से पहले इसके परिणामों के बारे में सोच लें। अगर मुमकिन हो तो अपना मूड बदलने के लिए कहीं और जाएं। उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें। उस समय आप अपने शौक और अपने परिवार वालों की मदद में भी खर्च कर सकती हैं। जिंदगी में हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपने प्रिय को कम से कम कुछ समय के लिए भूलना पड़ेगा। अगर आप सही लोगों से संपर्क और लेन देन करेंगे तो आप अपने करियर में तरक्की कर सकती हैं। वक्त की नजाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों से दूरी बनाकर एकांत में समय बिताएं। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी होगा। असहजता की वजह से आप वैकल्पिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। आपको जरूरत है तो जीवन साथी के साथ आत्मीय बातचीत की। आज दिन भर व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामलों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। घर में विवाह योग्य सदस्य के लिए उचित रिश्ता आ सकता है। किसी जरूरतमंद संबंधी की मदद करने से आपको आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा। अलग अलग विचारों की वजह से दिन की शुरुआत में बेचैनी रहेगी। सोच विचार बदलने की वजह से हर एक बात को नकारात्मक तरीके से ना देखें। लोगों के साथ बातचीत कम करके एकांत में समय बिताने की कोशिश करें। आपको सोच में बदलाव नजर आएगा। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लक्ष्य कड़ी मेहनत के बाद भी पूरे हो पाएंगे। जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं उनकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर दें। पार्टनर के स्वभाव में बार बार आ रहा बदलाव आपको बेचैन कर सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण सेहत में बदलाव नजर आएगा। सावधानियां, बजट का ध्यान रखें तथा बढ़ते खर्चों पर काबू रखें। किसी भी विपरीत मुद्दे पर बातचीत करते समय अशिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें, इससे आपको हानि भी संभव है। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक रुख अपनाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय घर परिवार के साथ व्यतीत करने से खुशी और सुकून मिलेगा। इससे आपसे संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।
अच्छा, आपको अपने बुजुर्गों रिश्तेदारों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना है। आपके अन्य बातों में व्यस्त होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगी। परंतु आपको अपनी साथी से बहुमूल्य व्यवहारिक और भावनात्मक समर्थन मिलेगा। आपका साथी आज वित्तीय मामलों में भी आपकी मदद कर सकता है, इसीलिए अपनी प्रशंसा दिखाना ना भूलें, चाहे वह एक लघु रूप में ही क्यों ना हो। कोई शुभ चिंतक अचानक आई घरेलू मुसीबतों से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकता है। किसी समूह क्लब या सोसाइटी में शामिल होकर आप किसी खास से मिल सकते हैं और साथ ही कुछ यादगार पल भी पा सकते हैं। अपने घरेलू मामलों को सुलझाने और आराम करने के लिए आज के दिन उपयुक्त है। उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताएं। जब आप अपने सपनों को साझा करेंगे और दोनों मिलकर उस पर काम करेंगे तो आपके सपने सच होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। आप दोनों का भविष्य उज्जवल है। बात करते हैं करियर की। धन में लाभ या करियर में सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ आत्मविश्वास जरूरी है। समूह क्लब या सोसाइटी का हिस्सा बनकर आप एक नया व्यक्तित्व पा सकते हैं। व्यापार या नौकरी में आपके सहकर्मी आपसे पूरी प्रभावित हैं और आपका साथ देंगे। आज आप अच्छे मूड में नहीं है, इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या आपको परेशान करने वाले लोगों से दूर रहें। आज ब्रेक लें और अपनी परिवार व बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं। दिमाग में आए किसी भी नए विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में अपनी दोस्तों और भविष्यवक्ताओं से बातचीत करें। आज आप अपने आप पर संदेह कर सकते हैं और अपनी खुद की क्षमता को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह सब आपके असुरक्षित व्यवहार की वजह से है, जिसे आपको नियंत्रित करना होगा। एक गहरे स्तर पर दूसरों के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने का प्रयास करें। इसे न केवल आप उन लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकेंगे, बल्कि आप कार्य प्रणाली को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आपको अपनी बहुमूल्य स्थिति के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी। कारोबार में नई शुरुआत के लिए समय ठीक नहीं है। पूर्व नियोजित कामों को पूरा करने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी संबंधित कामों में बड़ी डील होने की संभावना है, जिसमें ज्यादा फायदा भी होगा। बात करते हैं सेहत की। मौसम की वजह से खांसी, जुकाम और बदन दर्द की समस्या रह सकती है। खासकर महिलाओं को दर्द का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है। आप आसानी से अपना ध्यान कहीं एक जगह नहीं लगा पाते और इसलिए ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं जो केवल फोकस कर पाने की क्षमता रखते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी यह विशेषता सीखकर अपने जीवन में भी कार्यान्वित करें। आपको किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करने की जिम्मेदारी मिलेगी। इसे हाथ से जाने न दें। सुबह जल्दी उठकर योग करने से भी आपको मदद मिलेगी। आज का उपाय, घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।